हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं एक नया सा स्मार्टफोन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप इस टाइप का भी वीडियो बना सकते हैं, ठीक है, इसी सेटअप से। पॉडकास्ट ले कोई आ रहा है तो बढ़िया, आप पॉडकास्ट ले लें। अब आप देखेंगे कैमरा लगा है, एक कैमरा ये है, एक कैमरा ये है और एक कैमरा उधर है, ठीक है। सो जब आप प्लान करते हैं तो आपको सारी चीज़ें एक जगह नहीं मिल पाती। यानी अगर कैमरा मिलेगा तो माइक नहीं, लाइट नहीं, सब कुछ मिल गया। चलिए अमेजोन से जाके या किसी मार्केट से जाके या किसी से बात करके। साउंड प्रूफिंग कौन करेगा, इंटीरियर प्रोडक्ट आप कहाँ से लेके आएंगे, प्रॉप्स कहाँ से लेके आएंगे। तो अब आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपको कॉल करना है 8527926648 पे। स्मार्ट इन्फोविजन, आपका ड्रीम पॉडकास्ट, आपका ड्रीम साउंड प्रूफिंग स्टूडियो वर्क प्लेस बना के देगा। सो आज मेरा ये पॉडकास्ट है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, राइट। अपने जर्नी के बारे में बात करूँगा, अपने स्ट्रगल के बारे में बात करूँगा और कैसे हम लोग इस हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, जहाँ लोग सस्ते की बात करते हैं, वहाँ हम आपको एक्सपीरियंस करा पा रहे हैं और प्रीमियम प्रोडक्ट विद सॉल्यूशन आपको दे पा रहे हैं। चलिए आज की वीडियो है पॉडकास्ट सेटअप के लिए। आपका अपना प्राइवेट वर्क स्पेस यानी पॉडकास्ट सेटअप कैसा होना चाहिए, जहां आप खुद वीडियो बना पाएं, अपने क्लाइंट के साथ वीडियो बना पाएं, अपने गेस्ट के साथ बना पाएं। आपका रूम कैसा होना चाहिए, कहां से प्रोडक्ट आपको मिलेगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। चलिए लाइट्स को ऑन करते हैं। अभी मैं हूँ स्मार्ट इन्फोविजन के पॉडकास्ट रूम में, जो नया बना है, ठीक है। ये रूम कंप्लीटली साउंड प्रूफिंग है, यानी बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आती और अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जाती, ये है खासियत। दूसरी बात, लाइटिंग आप देख रहे हैं, एक तरफ लाइट कुछ इस प्रकार से है, राइट। इस लाइट में आप देख रहे होंगे फ्लिकरिंग नहीं आ रहा होगा, मैं अपने सैमसंग के फ़ोन से अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि ये पूरा प्रॉप लगा हुआ है, यानी इंटीरियर। जब आप ये पूरा सेटअप देख रहे हैं तो एक फील आपको आ रहा होगा कि यार बड़ा शानदार सेटअप बना है, ठीक है। उस तरफ भी लाइट हमने लगाया है विथ स्टैंड, और ये दोनों लाइटों की जो खासियत है ये है फ्लिकर फ्री। ऊपर अगर हम बात करें तो ऊपर भी जो लाइटिंग है ये भी फ्लिकर फ्री है, यानी कोई फ्लिकरिंग नहीं आएगी, चाहे आप कैमरे से रिकॉर्ड करें और चाहे आप किससे रिकॉर्ड करें, मोबाइल फ़ोन से। चलिए अगर मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं तो इस तरफ आइए। अगर आप ये एंगल रखते हैं, अभी मैं रोड का माइक यूज़ कर रहा हूँ, ये भी रोड का माइक है, तो आपका व्यू कुछ इस प्रकार से आएगा, क्लासी व्यू। बैकग्राउंड में प्रॉप्स आप देख सकते हैं, ये हम चेंज कर सकते हैं। चार वॉल यहाँ पे हमने यूज़ किया है, चारों वॉल का कलर और सब कुछ अलग अलग रखा है, ठीक है। अब अगर आप मेन फ्रेम लेते हैं तो अब आपका ये दो चेयर, अभी यहाँ पे तीन से चार अलग अलग वेराइटीज़ के चेयर्स और आने वाले हैं। टेबल आप देख रहे हैं, ये टेबल फिक्स नहीं है, इस टेबल को हम अपने हिसाब से, राइट, ये देखिए एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस टेबल को। अब पॉडकास्ट में टेबल क्या कर रहा है, एक सवाल आपका तो बनता होगा। सो पॉडकास्ट रूम जो हम आपको बता रहे हैं या जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो मल्टीपर्पज़ होना चाहिए। यानी थोड़ा दूर जाना है, इधर अंजय आप, कि आपका पॉडकास्ट या वर्क प्लेस ऐसा होना चाहिए जहां आप रिव्यू भी कर पाएँ, आप टीचिंग वीडियो भी बना पाएँ, आप पॉडकास्ट भी कर पाएँ, आप मीटिंग भी कर पाएँ, सब कुछ बहुत आसानी से आप कर पाएँ। इसीलिए थोड़ा माइक को मैं साइड में रखता हूं, सो दैट कि आपको प्रॉपर मैं, ठीक है। अब ये टेबल होने से क्या फ़ायदा है, अब आ जाओ आप फ्रंट में, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे रिव्यू करना है तो हाइट को एडजस्ट कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, रिव्यू करना है, मान लीजिए पेट ज़्यादा है, इसके लिए भी एडजस्ट करना है, तो मैं अपने हिसाब से टेबल को एडजस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, अब माइक को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, होल्ड कर दिया, फ्री हो गया। अब जैसे कूल डूड आपको वीडियो बनाए, हेलो दोस्तों कैसे हो, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक नया सा स्मार्टफोन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप इस टाइप का भी वीडियो बना सकते हैं, ठीक है, इसी सेटअप से। पॉडकास्ट ले कोई आ रहा है तो बढ़िया, आप पॉडकास्ट ले लें, ठीक है। इधर पे आप देखेंगे
और ये पूरा साउंड प्रूफिंग है, कंप्लीट स्टूडियो। थोड़ा पीछे जाना है आप, इस तरफ पे आप ब्राउन एंड वाइट देखेंगे, ठीक है। ब्राउन एंड वाइट में क्या हुआ है, यहाँ आप अपना लोगो लगा सकते हैं, ठीक है। लोगो लगाने पे क्या होगा, अगर अब आप चेयर इस साइड रखते हैं, ठीक है, तो आप अच्छे से अपना लोगो लगा के, या जिसके साथ भी वीडियो बना रहे हैं, प्रॉपर आप अच्छे से अपने ब्रांड की विजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस साइड अगर आप देखेंगे, ये डोर है, दरवाज़ा है, और ये भी पूरा साउंड प्रूफ है। अब एक चेयर आप इधर लगा के इस वॉल को भी एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। इस तरफ क्या हुआ है, इस तरफ है वाइट, यानी यू टोन लगा हुआ है। सो अब इधर अगर आपको वीडियो बनाना है तो सोफे पे बैठ के आप इस टाइप का भी वीडियो अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। अभी ये लाइट जो है, ये स्टूडियो लाइट ही है, यहाँ अभी हमने कोई स्पेशल लाइट नहीं लगाया है। अब आप देखेंगे कैमरा लगा है, एक कैमरा ये है, एक कैमरा ये है, और एक कैमरा उधर है, ठीक है। सो जब आप प्लान करते हैं तो आपको सारी चीज़ें एक जगह नहीं मिल पाती, यानी अगर कैमरा मिलेगा तो माइक नहीं, लाइट नहीं, सब कुछ मिल गया, चलिए अमेजॉन से जाके या किसी मार्केट से जाके या किसी से बात करके। साउंड प्रूफिंग कौन करेगा, इंटीरियर प्रोडक्ट आप कहाँ से लेके आएंगे, प्रॉप्स कहाँ से लेके आएंगे, तो अब आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपको कॉल करना है 8527926648 पे। स्मार्ट इन्फो विज़न, आपका ड्रीम पॉडकास्ट, आपका ड्रीम साउंड प्रूफिंग स्टूडियो वर्क प्लेस बना के देगा। इंटरनेट पे आपको किसी का भी फोटो अच्छा लगता है, किसी का भी स्टूडियो अच्छा लगता है, आप मुझे फ़ोटो भेजिए, सेम आपको बन के मिलेगा, ठीक है। छोटा सा रूम, बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कंप्लीट साउंड प्रूफिंग है, यानी आपका रूम हम बढ़िया सजा के देंगे, साउंड प्रूफ करके देंगे। आपको केवल पैसा देना है, और हाँ ये भी बोल रहा हूँ कि सस्ता नहीं होगा, लेकिन प्रीमियम और अच्छा होगा। सस्ते के चक्कर में हम नहीं पड़ते, उसके लिए मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो सस्ते की बात करते हैं। हम आपको क्वालिटी देखें, और जो सर्विस टीम है ना, वो लग के काम करती है, सारे इनपुट्स देंगे। आप अगर कहते हैं यार मुझे बैकग्राउंड में ये कलर चाहिए, ऐसे चाहिए, मैं आपको बताऊंगा सर एज़ पर योर इंडस्ट्री आपको ये कलर लगाने चाहिए। आपको आइडिया भी हम देंगे कि आपका पॉडकास्ट रूम कैसा होना चाहिए, और एक सिंगल क्लिक में कैसे सब कुछ ऑपरेट होना चाहिए। तो कॉल करें, और ये स्टूडियो नोएडा में बना है, रेंटल के लिए भी है। अगर आप इसको रेंट पे लेना चाहते हैं तो आप 8527926648 पे बुक भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।